चाहिए आज का दिन में, नौकरी क्रिएट करने के लिए, फॉर लाइवलीहुड क्रिएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पहले कोर सेक्टर में क्या क्या करना चाहिए देख लेते हैं। पहली बार ऐसे कि अपना सरकार ने अपना स्टील प्रोडक्शन 125 मिलियन टन से 300 तक लेके जाने के लिए मिनिस्ट्री का एक सब कमेटी बनाया थे, प्रोग्राम भी तैयार थे, उसको चालू रखे, उसके लिए कुछ जो भी करने का उसका पॉलिसी वगैरह वगैरह सब अनाउंस करे इसके साथ में। दूसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर की अभी तो वापस चालू होने वाला है, आई मीन यू नीड टू हैव अ रिफाइनरी एक्सपेंशन विच इज प्लान्ड अबाउट 3-4 ऑफ देम, सिर्फ एक ही चालू है, बाकी 2 या 3 इमीडिएटली अनाउंस करे, उसके लिए ऑयल कंपनी को पैसा देने का जरूरत नहीं, उसकी बैलेंस शीट एकदम अच्छे रहता है। और तीसरा हमारा पावर सेक्टर के लिए थोड़ा धीमी चला था पिछले 3-4 साल से, 16 तो चल रहे बट उसको बढ़ाएं, विंड को बढ़ाएं, और उसके अलावा सॉरी टू से दैट हमको ये भी जाना पड़ेगा कोयले का लेके भी पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगा कम से कम 4-5-6 साल तो लेगा उसको कंप्लीशन करने के लिए, ये तो कोर सेक्टर में ये करना चाहिए। डाइवेस्टमेंट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, आपका डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो बाहर भी होता है, जहाँ पे आप वो डिफरेंट टाइप के लोन, डिफरेंट टाइप के गारंटी देता है, एक स्टेबल पॉलिसी रेजिम दिया जाए जिससे आपके इन्वेस्टर्स को एनकरेजमेंट मिले